गिफ्ट आ चुका है, पैकिंग चल रही है, मैं एक ही झलक दिखाऊंगा क्योंकि ये रैपिंग यार सारे गिफ्ट इन लोगों को पहली बार ही मिलने वाला है। निकाल लिया है हमने, फाइनली हमारी शुरुआत हो गई है। 2 3 चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? और आप ये सोच रहे हो कि हीना कहाँ है मेरे साथ, तो यार सबर करो, सबर करो। आज है 5 जुलाई और कल है 6 जुलाई, और 6 जुलाई को अगर आप हमारे रेगुलर अगर ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ भी कि 6 जुलाई को होता है क्या है। तो 6 जुलाई को होता है हीना का बर्थडे और आज है 5 जुलाई। और वैसे तो आपने आप लोगों को पता ही है कि हाँ मतलब कि मुझे कोई गिफ्ट उफ्ट देना आता नहीं है ढंग से। जब भी कोई गिफ्ट की बात होती है तो मैं हीना को संग में लेके जाता हूँ मोस्टली। यार ऐसी होता है क्योंकि मैं ना डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे देना क्या है क्या नहीं देना है। सो इस बार मैंने अपना तन मन धन से पूरा मेहनत करी और मतलब ट्राई करा है अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट वाला ट्राई करा है कि हाँ भी कि हीना को गिफ्ट दो, और एक नहीं बहुत सारे गिफ्ट देने हैं। तो फिलहाल तो एक गिफ्ट आ चुका है, पैकिंग चल रही है, मैं एक ही झलक दिखाऊंगा क्योंकि फिर आप लोगों का जो इंतजार है सब चीजों का खत्म हो जाएगा कि हाँ भी कि मैंने क्या क्या गिफ्ट दिया है। और हम गिफ्ट दे रहे हैं एक नहीं दो नहीं, हीना होने वाली है एक्चुअली 26 ईयर की। सो मैंने अपने माइंड में यही प्रिपेयर किया था कि हाँ भी कि 26 ईयर की हो रही है तो मैं 26 ही गिफ्ट उसको दूंगा, हाँ यही सोचा था फिलहाल तो। और हमने कर लिया है, मैंने और मनोज भाई ने, जो कि इस टाइम पैकिंग में लगे पड़े हैं। तन मन धन से गिफ्ट नहीं दिखाऊंगा नीचे वरना सारा सस्पेंस बेकार हो जाएगा यार। और हमारे पीयूष भाई भी आ चुके हैं अब हेल्प करने के लिए। सो फिलहाल तो यार पैकिंग चल रही है और रात को 12 बजे सरप्राइज देंगे कि हाँ भी कि कैसा रिएक्शन होने वाला है, वो सब कुछ चेकआउट करना है क्योंकि मैं पहली बार ही दे रहा हूँ यार ऐसे करके। वरना जब भी कोई गिफ्ट लेने जाना होता है कि संग में लेकर जाता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आते ही नहीं है कि हाँ भी क्या देना है क्या नहीं देना है। सो कल तो पैकिंग चल रही है और रात को जब हम मिलते हैं उसके बाद फिर दिखाऊंगा मैं आपको कि हीना के रिएक्शन क्या होने वाले हैं और कौन कौन लोग सब लोग विश करेंगे साथ में मिलकर। हमारी प्लानिंग तो यही है कि जैसे कि मतलब सब लोग विश करेंगे और देखते हैं भाई जैसा सोचा वैसा हो पाता है नहीं पाता है। मैं ट्राई तो पहली बात तो इस बार जो है मैंने ट्राई बिल्कुल 100% देने की सोची है कि हाँ भाई कि क्या क्या करना है। मिलते हैं, पहले पैकिंग करवाने में थोड़ी हेल्प कर देता हूँ भाई क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट होने वाले हैं। और इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भी कि क्या क्या गिफ्ट दिया मैंने, उसकी अनबॉक्सिंग सब कुछ इस ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल तो अभी मैं ब्लॉग हीना नहीं है ना साथ में, थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूँ इस टाइम सो पैकिंग करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। हो चुकी है रैपिंग यार, अभी बहुत सारी रह गए हैं रैपिंग से भी। मनोज भाई आज हमारे लगे पड़े हैं, मनोज भाई ने हमारी पूरी हेल्प करी है, पूरी हेल्प हर चीज में। सो करवाता हूँ यार, जल्दी करवाते हैं फिर मिलते हैं आपसे जल्दी से। इतनी मेहनत का भी करिए पहले। साहिल भाई भी लग गए हैं, मनोज भाई भी लग गए हैं और ये गिफ्ट भी हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ कुछ गिफ्ट रह गए हैं बस। एक मिनट भाई, बहुत ज्यादा पैकिंग करने में साहिल और मनोज तो लगे हुए हैं अपने पैकिंग करने में और मैं उनके उनकी हेल्प कर रहा हूँ टेप से, क्योंकि मुझसे पैकिंग ना बहुत ज्यादा उल्टी सीधी करनी आती है, कभी करी भी नहीं है कभी भी पैकिंग, क्योंकि जो भी दिलवा के लाया हूँ साथ में दिलवा के लाया हूँ। सो चल रही है मस्ती और हीना को कुछ ना कुछ तो हिंट तो लग रहा है कि हाँ भी कि ऊपर वाले रूम में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता देखती होगी कि हाँ भाई उससे मुझसे इस तरीके की मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि हाँ भी कि मैं 26 गिफ्ट एक साथ दूंगा, कहता ही नहीं। लेकिन आज ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, कुछ कुछ चीजें रह गई हैं बस पैकिंग होने से। तो लो जी गाइस यार सारे गिफ्ट रैप हो चुके हैं फाइनली, सभी हो चुके हैं सभी। रैप करने वाले हमारे दो हैं कलाकार, एक मनोज भाई हैं हमारे, एक साहिल भाई भी हैं हमारे जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पैकिंग करी है और टेप का काम मैंने संभाला है। तो हो चुके हैं फाइनली यार गिफ्ट की सारी पैकिंग तो हो चुकी है और मैं सारे गिफ्ट ना नीचे ले आया हूँ, दो थैलियों में आई है, काफी ज्यादा गिफ्ट है यहाँ, 26 गिफ्ट हो गए और सभी लोगों हीना भी ऊपर जा चुकी है अभी उसको सुनाने के लिए। लेकिन हीना की मतलब क्या रिएक्शन आने वाला है उसका, और पापा की गर्राटों की आवाज आ रही होगी क्योंकि पापा ना गर्राटे मार मार के सो रहा है बहुत जोर जोर से। और पीयूष भाई हमारे बैठे पड़े हैं, महक भी बैठी पड़ी हैं और 11:30 तो बज चुके हैं, 11:30 तो बज चुके हैं, आधा घंटा रह गया है बस। और चादर पे ना मैंने पानी गिरा दिया था ताकि चादर भी चेंज हो जाए हमारी, क्योंकि हीना ना बहुत ज्यादा साफ सफाई वाली है तो उन्होंने चादर तो ऊपर चेंज कर दिया, अभी सो रहा है उसको सुला रही है, मतलब
अभी का टाइम हो गया सोने का, सो मजा आएगा 12 बजे, मजा आने वाला है। एक्सप्रेशन देखने हैं भाई कि कैसे कैसे एक्सप्रेशन होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तुम्हें तुम्हें किस चीज का एक्साइटमेंट है वैसे? किसका? और तुम्हें? चॉकलेट खाने का? चॉकलेट कहाँ? अच्छा क्या देखते हैं क्या क्या मिलाएंगे, क्या क्या मिलाएगा गिफ्ट। और तुम क्या दे रही हो गिफ्ट? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, बस कल दे। कुछ नहीं हो? और पापा घर आटे मार के सो रहे हैं क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। पापा को नहीं सारे गिफ्ट हिना को पहली बार ही मिलने वाला है, वरना दो तीन गिफ्ट वो भी संग में जाके, जिसकी बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं रहती है। जब एक्साइटमेंट जब खत्म हो जाएगी वरना, तो मैं सब बताऊंगा जब अनबॉक्सिंग होगी तब दिखाएंगे सबको सारे गिफ्ट। मजा आने वाला है गाइस बहुत ज्यादा। फिलहाल तो मैं भी ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ भाई। अब मैं सीधे जाऊंगा 12 बजे। 10 मिनट और बस। मुझसे देखने आती है घड़ी। लल्ली भी हमारी हमारी छोटी सी लल्ली भी गिफ्ट के संग में रेडी हो गई है, अपना गिफ्ट ले आई है। सभी ने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रखा है बर्थडे के लिए। मुझे इस चीज का पता नहीं था, मुझे अपना पता था कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ। और बच्चों ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी है भाभी के बर्थडे के लिए। और मुस्कान भी ले आई है, लेकिन उन्होंने रैप नहीं करा है, तो दिखाऊं? नहीं, मुस्कान ने दिखाऊंगा नहीं, वो जब दिखाएंगे जब सब लोग देंगे ना एक साथ में गिफ्ट, तभी दिखाएंगे कि क्या क्या दिया है। और मम्मी हमारी मोबाइल में लगी हुई है हमेशा की तरह, पता नहीं वो रील्स कौन कौन सी देखती रहती है। भी आ चुकी है अपना गिफ्ट लेकर, सभी ने प्लानिंग कर रखी है। साहिल सो गया होगा? साहिल भी आ रहा है। चलो जी अभी चलते हैं, बस 10 मिनट रह गए हैं। मम्मी फोन रख दो, ये रील्स ही देखती रहोगी बस। मम्मी वीडियो बनाएंगी मुझे लग रहा है। बहुत बड़ा देखते हैं, मुझे एक्साइटमेंट है इन बच्चों के गिफ्ट की, मुझे अपने तो पता है, लेकिन अब देखते हैं इनके गिफ्ट में क्या क्या है। मम्मी हमारी गैस कर रही है सबको, मम्मी गैस कर रही है सारे गिफ्ट को। मम्मी मेरे गिफ्ट मत खोलो, तुम गैस करके सारा भांडा फोड़ दोगी। मम्मी भांडा फोड़ने पे लगी पड़ी है सबके। आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये 14 प्रो मैक्स। लल्ली छूके बताएंगी, ये ज्योतिषी हैं। ओह जादूगर, जादूगर हमारे जादूगर। लल्ली अपनी शर्ट नीचे निकल, और ये दोनों गिफ्ट के थैले पकड़ो आप। मम्मी भी बाल बाल कर ली, हीरोइन बन के जाएंगे पूरी। चलो भैया ये पूरे कुली बन के चल रहे हैं, कुली निकाल लिया है हमने। फाइनली हमारी शुरुआत हो गई है, लव माय लव का आज बर्थडे है। बीच में लगा दो ये कैंडल, और एक वो भी ले लेना माचिस, और चलते हैं ऊपर में। हीना सो रही है, अभी सो रही है, हीना सो रही है फिलहाल तो। अभी हम 2 मिनट बाद आएंगे। 2 3 स्टार्ट। चलो भाई चलो। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। चुप जाओ क्या, हम तो जोर जोर से गाएंगे। अभी भी बेचारा केक खा लेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चादर बिगाड़ते हैं। सो रही थी, सो गई इतनी अर्ली? तुम्हें पता नहीं था हम तुम्हें आज विश करेंगे तुम्हारे बर्थडे पे। उदास उदास तुम दिल जला दूं, केक हलाल करो। ये टू लिखा है, लव लिखा है। अभी तुम्हारा सो गया है, एक मिनट रुक तो जाओ। ये चादर पे ना आ जा यार। ये नहीं आता है, आएगा नहीं वैसे तो, इससे जलता ही कब है। क्यूश तू बनाता रहा, उसकी इज्जत ही खत्म हो गई पूरी। अभी एक मिनट बच लो, भाभी केक काट रही है। देख देख केक उस पे, केक उस पे लग गया। हटा दो ना, मखान इसमें बनाइए किसी में। ट्राईपॉड में लगा देता, अच्छी खासी सामने से बनती। एक और नहीं
चॉकलेट जल्दी कूलिंग बढ़ा दो क्यों तो केक रेडी है और भाभी सो चुकी थी बड़े अच्छे केक भी रेडी है और भाभी खा रहे हैं भाभी सो गई थी बाबू भी और बाबू सो के चला गया ऊपर नहीं मुझे लगा तुम फली केक काटोगे चलो चलो जी केक कट गया सिलाई मत करो और केक काटो साफ करो चलो भाई चलो केक काटो चलो मैं सही मेरा बोलिया तो सही हो रहा है अभी भी पापा नहीं आए पापा सो रहे हैं तो नीली वाली थी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर पापा हैप्पी बर्थडे पहली बार हुआ होगा कि पहला बाइट इन्होंने खाया है वरना मैं पहली खाता हूँ मैं मैंने खुद बनाया है यार ये बेक करके ये हम बना दो रहे थे शाम के टाइम हम लोगों ने बनाया केक इन्हीं हाथों से अरे झूठ मान रही है भाभी लोग हमारा ओवन रखा ना है वो नीचे हाँ रखा हुआ तो हमारा वो इडली स्टैंड हाँ इडली बनाया है हमने इडली बनाया है हमने ऐसा लगाई सब का ऐसा लगाई ली तो बस मत लगाना कोई भी भाई टाउन स्कान बाबू पड़ा हाँ दिखाओ अब हम खिलाएंगे ना फोटो खींचेंगे बढ़िया बाद में तो हम खराब हो जाए खिला रही है देखो लगाने इसके तो हमें अब तो भैया बर्थडे है थैंक यू वेलकम मैंने कल की जगह आज सौरभ गिफ्ट दो भैया थैंक यू खराब हो जाएगी उसको लग गया खा लेता हूँ गिफ्ट की होगी पैकेजिंग मुझे भी जानना है भाई क्या क्या है बाद में करेंगे गिफ्ट की पैकेजिंग सॉरी अनबॉक्सिंग मैं सबको खिला देंगे आओ तुम्हें भी खिला दूँ वरना तुम रो जाओगी अरे बस मैं लगा नहीं रही थी मैं लगाई नहीं रही क्योंकि मैंने लगाना एक के शुरू कराना तो यहाँ पे सब एक दूसरे से मिट जाएंगे पता चलेगा खाने के लिए बहुत शिकायत रहती है गिफ्ट नहीं देते तो लाइए गिफ्ट पहले मुंह साफ कर लो उसके बाद पहले तो जाओ पहले बहुत सारे गिफ्ट है ऊपर से बन गया था बाबू लो ये खत्म हो जाएगा खत्म है यार लेकिन है बहुत टेस्टी श्री राम क्या होगा अभी पहले केक तो रख दो एक हाथ में केक एक हाथ में गिफ्ट अभी नहीं मालूम किसी को भी दीदी ने कहा है कि हैप्पी बर्थडे थैंक यू ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है ये गिफ्ट अपने साहिल चाचा के पास ही रहेगा दीदी ने पर्स कहा है कि पर्स है देखने क्या है और तुम क्या बोल रही हो मम्मी तुम क्या बोल रही हो क्या है इसमें और मैं कह रही हूँ आईफोन चीजें क्या इसमें वो तो नहीं ब्रासलेट जो भी है ये अनबॉक्सिंग के बाद इसके सारा पूरी है मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी तो मैंने पहले फ्रीज खोल के भी देखा था ये वाला ओपन कर लो पहले ये वाला सारी है मेरी और मनोज भाई की प्लानिंग है भाई क्योंकि केक पहले ये देखो ये पहला गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो रही है सच्ची में ये काम बहुत अच्छा लगता अभी तो ये काम तुम्हारा बढ़ने वाला है क्यों ऐसा क्या मजा आएगा भाभी को ऐसे पसंद है ये भाभी रो रहा है अरे वाह आप कुछ क्या स्पेशल है ये है गा क्या ये क्या है कैसी लगी बहुत प्यारी अच्छा पवन ज्वेलर्स पे आज इसलिए गए क्योंकि उन्होंने बताया नहीं नहीं तुमने पता कर दिया देखना
फिंगर में बहुत प्यारी है भाई। तुम नहीं बोल दिया था कि साइज का इशू होगा ना वो बंद कर देगी। इस वाली में नहीं आ रही। तुम भी दे दो। ये लेकिन बहुत क्या क्या है ये हमारी लल्ली का गिफ्ट है। तो इसका बर्थडे है, वो अनबॉक्सिंग करेगा। वो तुम्हारे इसमें जल्दी हो रही है, अभी हेल्प करेंगे, जरूरत पड़ेगी अभी। टिम्बर लेके तो अभी तो बैठ गया, साइड आ रही है तो चेंज कर लेना। अभी चीजें लूट रहा है, अभी देखो अभी टूट चुका है चीजों पे। चलो जी, अंशी ने जी दिया है ये पूरा गिफ्ट से भरा बॉक्स और रिंग, और एक ये रिंग दिखाना। रिंग दिखा दो, चीजों को पहले सेफ कर रही है। हो रही है। कैमरा में कौन सा बताओ, कुछ और भी है वाली लेनी चाहिए, वो बढ़िया जो ये खा चुका है। ये निकल रही है, बाद में मिलके खाएंगे हम दोनों। अभी क्या हो गया तुम्हें? मम्मा को आपने गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट करा? ला पहले से बर्थडे गिफ्ट करा वो, सॉरी बर्थडे विश करा, बर्थडे विश करा आपने? अभी नहीं तो कर दो। चलो जी, ये किसका गिफ्ट है? ये वाला लल्ली, लल्ली का, लल्ली का गिफ्ट देखो। लल्ली देखते हैं ये भाभी को पैरी पता ये चौको पाई कितनी है इसमें बांट लो चाहे। बाबू को दे, चीजें बहुत दिन तक चलेंगी। ये क्या चाहिए? चौथो पाई, चौको पाई हम शेयर कर करके खाएंगे, खाएंगे लल्ला को। एक बाबू और रख दूं। अरे वाह, और तुम्हारे सबसे गिफ्ट का है? कल पीयूष की तनख्वाह आने पे, तनख्वाह अच्छा तनख्वाह आने पे मम्मी भी कर देंगी। लो जी लो, ये तुम्हारे पति देव का गिफ्ट। पता ले लोगे गिफ्ट ले लेंगे। क्या 32? तुम आज कितने साल की हुई हो? आज में हो गई 26। तो बस ये वाला गिफ्ट तुम्हारा, 26 गिफ्ट तुम्हारे लिए। और उसमें भी 26 ही थी। किसमें? जो बॉक्स में सब चीजें हैं, टोटल पूरी 26 है। अरे वाह, 26 साल के होने पे 26 गिफ्ट। रिएक्शन बड़ा फीका आया यार तुम्हारा, मजा नहीं आया। ऐसे करो, कैसा लगा गिफ्ट? गिफ्ट लोगे पता चलेगा कैसा है। वो सब पे जाएगा, ये मम्मा को बर्थडे पे ये मारने का गिफ्ट दे रहा है। ये देखो मम्मा को कैसा गिफ्ट। तू तो ये बोल रहा था कि मम्मा को उम्मा देगा। उम्मा दिया तुमने? उम्मा दे दे, उम्मा दे दे। नहीं नहीं, गुस्सा है गुस्सा। जाओ बुआ से चॉकलेट लो। तो कैसा लग रहा है इतने सारे गिफ्ट मिले हैं तुम्हें? पहली बार ही मिले होंगे ना इतने सारे? तो और ये तुम्हारे दिमाग में अलग था यार। और तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि 26 गिफ्ट मैंने कैसे लिए कैसे नहीं लिए? सो तो अब मैं पूछूंगी ना कैसे लिए। टाइम नहीं दिया अभी तो, एकदम से तो नींद से उठा के सारा काम किया है। अब देखते हैं, पहले तो मैं देखती हूँ कि 26 है भी है या नहीं है, ऐसी पागल काट। अरे 26 है यार, पूरी लिस्ट बनी थी पूरी पूरी प्लानिंग के बाद। 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, एक मिनट खोलना मत। 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एक और होगा यार, 26 पूरे 26 के 26 गिफ्ट हैं भाई। कम्प्लीट हो गया। हाँ, 26 बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी इन 26 गिफ्टों के लिए। कैसे लाए हो 26 गिफ्ट? बस खोल के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा खुद ब खुद ही कि कहाँ कहाँ से लाया हूँ, कैसे कैसे लाया हूँ। आपसे उम्मीद तो नहीं थी आप गिफ्ट लाओ। मुझे मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें 26 गिफ्ट दूंगा। नहीं यार, हीना से ज्यादा एक्साइटमेंट ना हमारी लल्ली को है, मम्मी को है, मुस्कान को है कि इसमें है क्या क्या। पीयूष को है नहीं है? पीयूष को नहीं है कुछ भी। यस सैंडल। मैं भी कोई भी ना चीज तुम्हारी ऐसी नहीं लाया हूँ बिना यूज की। तभी तो मैं पूछ रहा था तुमसे कि तुम्हारा नंबर क्या है चप्पल का।
डाउट हुआ था, मुझे लगा कि ऐसी पूछ रहे हो। कैसी लगी ये तो बताओ। चप्पल मतलब निकाल के ऐसी रख दी। इन्हें देखा, मैं पहली बार जिंदगी में लाया हूँ। पहनती नहीं हूँ लेकिन कोई बात नहीं, आप लाया तो मैं पहन लूंगी। दिखाओ पहले पब्लिक को कैसी दी है, मेरी पसंद कैसी है। देखो गाइस, मेरे पति देव पहली बार मेरे लिए गिफ्ट लाए बिना बताए, और वो भी एक साथ इतने सारे। नहीं सच में बहुत प्यार। अब मैं खोल खोल के देखने का एक्साइटमेंट ना, इसलिए बताऊंगी बाद में। गिफ्ट नंबर टू, सुनो मेरी शॉर्ट बना लो। पहला हो चुका है उसमें थी स्लीपर्स, ये सेकंड नंबर का है। ये देख के तुम्हें आएगा मजा। क्या है ये? क्या है? सूट। चुन्नी। ये सूट है जिसके देख के इन्होंने, ये तो कोई वाला है ना। है ना? ये ट्रायल के लिए पहना था, ट्रायल के लिए कि हाँ भी पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है। ये तो वही है जब ट्रेस लगा थी बर्थडे के लिए तब आपने था ना। हाँ जी मैडम, यही तो पसंद करवा रहा था क्योंकि मेरे को ड्रेस पसंद आ गई थी तो मैं ड्रेस ले आई थी। अच्छा, ये है ये बहुत, मतलब मुझे बहुत पसंद आया था ये सूट। और क्या पसंद आया था तभी तो लिया था ये। थैंक यू सो मच पति देव, मेरा बहुत दिवाला निकला है 26 गिफ्टों के लिए। संडे पे लाए थे मेरे लिए वो ग्रीन वाला टॉप, और ये पहली बार अपनी पसंद से कुछ लाए हैं। इसमें है क्या? इसमें है क्या? वॉच है, वॉच मछली क्योंकि वॉच नहीं है। सब वॉच कह रहे थे या फिर कह रहे थे कि कड़े हैं। नेल पेंट, नेल पेंट निकली लेकिन नेल पेंट से मेरा मनोज भाई के साथ में करी अपने शॉपिंग। नेल पेंट के भाव भाई तुम्हें सोच वहीं से ही देखो कैसे किसी प्यारी बॉक्स गर्ल वाला। अब खोलो बताओ ये वाला गिफ्ट नंबर फोर। रबर बैंड्स मैंने गाइस ये देखो पूरी लिस्ट बना रखी थी, पूरी लिस्ट अपने फोन में बना रखी थी कि क्या क्या गिफ्ट लेना है मैडम के लिए। ये रबड़ बैंड्स सारी मैंने क्या बताया था, सारी यूजफुल, सारी तो चार ही हुए हैं, अब पांचवा खोलेगा ये गिफ्ट नंबर 5। मम्मी नेल पेंट लगाने भी स्टार्ट कर दिया भाई। मम्मी अपने फॉर्म में आ गई। कोई नहीं कोई नहीं, ये हाँ तो गिफ्ट नंबर 5 है ना ये 5। सो गाइस गिफ्ट नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। देखते हैं इस बॉक्स में क्या निकलता है। क्या है? हेयर पिंस ट्रेंडिंग। ये पे कहा है? दिखाओ इधर भी। देखो गाइस, हेलो गाइस, इतनी प्यारी गिफ्ट नंबर 5 दिखाना। खुलने वाला है गिफ्ट नंबर 6। मैंने छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें सारी ली हैं, मुझे ही पता है भाई 26 गिफ्ट कैसे मैंने कलेक्ट करे हैं। ये 6 नंबर है ना ये? हाँ 6 नंबर। पसंद अच्छी है, आज पता चल रहा है ना? दो साल बाद पसंद बढ़िया है, बस एक ही चीज बेकार आ गई पसंद की। क्योंकि ये बहुत दिनों से मांग रही थी तो खत्म हो गई। यूजफुल है, यूजफुल है भाई, यूजफुल आइटम, सुंदर बढ़िया टिकाऊ। जो हमें ये बॉक्स वाली चीज उठा रहे हैं जिसमें से ये 7 है ना, ये 7 है 7। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये खुलने वाले का खुलने वाला है, उसके बाद ही पता चल जाएगा तुम्हें। मम्मी गैस करो क्या है। मम्मी ठीक है, वाटर प्रूफ आईलाइनर। ये न्यू कंपनी का है, ऐसे लगाओ। नहीं ये ऐसा था, मैं लेने गया था, उन्होंने भैया ने बोला था कि ये बढ़िया कंपनी का है, मैं उनसे लेने गया था पहले लैक्मे का। माइलो नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है वापस हो जाएगा। मैं कहकर लाया था कि अगर ये माइलो का लेकर आया था वाटर प्रूफ आई लाइनर। नाम भी नहीं सुन रहा माइलो। अरे बढ़िया है, वापस हो जाएगा बनना। बढ़िया हो अभी तो ये चीजें देख रही है, कुछ चीजों से तो पता चल जाएगा छूने से। ये 8 नंबर है, 8 नंबर गिफ्ट नंबर 8, गिफ्ट नंबर 8 गॉगल्स। लगा के दिखाओ काला चश्मा।
मैंने पतले कर लिए। इसमें बहुत मजा आता था, इसमें यूजफुल मेरी क्रीम लग रही है। 9 है ना ये, गिफ्ट नंबर 9। ये क्रीम नहीं है, ये हमारा फेस वॉश छोटा सा। ये सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। ये पुजारी छोटा है दिखाना, कॉफी छोटी सी 10 है ना। ये मनोज भाई ने हमारे पैकेजिंग करी है सारी। अच्छा शाम से यही चल रहा था। यो ब्रो, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये दोनों। मैं आपसे कहती हूँ, मुझे लग रहा है मैंने कहा ये हम नहीं करते। ऊपर ना कुछ ऐसे ही चल रहा है। रिंकी यार मैं वो देख रहा था डिब्बी, पर डिब्बी नहीं मिली थी रिंकी। दिखाओ पास से, दिखाओ कैसी लग रही है, पहन के देखो। वहाँ पहले आप इधर बैठ जाओ। देखो गाइस, गिफ्ट नंबर 10 देखो। हाँ अभी अभी तो बहुत सारे, अभी तो 16 रह गए हैं। इसमें खड़े होंगे 11 है ये। सब पे चल जाए भाई। मनोज भाई ने जहाँ जहाँ से तुम लेती हो चीजें, उन लोगों से मैंने पूछा कि कैसी कैसी चीजें लेती हैं, सो बस वहीं से सारे आइडियाज मिलते रहे और मैं लेकर आता रहा। अभी हमने स्टेटस भी लगाया, बर्थडे सेलिब्रेट करने का। नंबर 12, गिफ्ट नंबर 12, गिफ्ट नंबर 12 है ना ये। वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं 12 है, 13 12 है, 12 बारह 14 बैश। ये है लोवर मैडम के, लोवर लोवर देखो साइड के लिए भी। मैं लोवर के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही थी कि अब लोवर टी शर्ट में खत्म हो गए तो बस आ गए लो। और क्या, तभी तो काउंटिंग पूरी हुई है, पैसा अच्छा खासा खर्च करा है यार। ये कौन सा नंबर, 15। अब याद नहीं है भाई, इतने सारे गिफ्ट है। नहीं 15 नंबर है शायद ये, आई थिंक। इसमें क्या है, इसमें इयर रिंग्स रेड कलर के। यस, क्योंकि मैं ड्रेस के कंट्रास्ट से लाया हूँ ना भैया। अच्छा, उसमें फूल वगैरह जो है। हाँ रेड है ना, उसमें थोड़ा कलर। ये ड्रेस लेकर गया था साथ में, देखो रेड आ रहा है कंट्रास्ट। उससे पूछ के लाया हूँ भाई मैं किस कलर के सही लगे। पहले मैं ब्लू देख रहा था, लेकिन ब्लू उसके बेकार लग रहे थे साथ में। पापा पहले ये अभी देखो, अभी इस चीज से खुश है अभी। क्या हुआ, मैं खोलूं? ये देखेंगे कंपनी कौन सी है। अभी नहीं बेटा, वो तो कुछ और है, चॉकलेट मंच। जब करा था हमने गिफ्ट पूरे नहीं हो रहे थे, उसके बाद मैं लेकर आया था दोबारा। अच्छा, अभी आधे घंटे पहले ही, आधे पौन घंटे पहले ही। फेवरेट बिस्किट है अभी के नहीं, ये गिफ्ट की पूर्ति के लिए करा गया है हमने। गिफ्ट की पूर्ति हो रही है, गिफ्ट की पूर्ति है ये। और भी खोलो चीजें, अभी बहुत सारी है। बस यस, लोवर 2 लाया था क्योंकि उसके बाद भी शिकायत रहती है। 2 लोवर इसमें क्या, इसमें होगा चोको फिल्स। नई चीज है ये, चोको फिल्स है। अभी खा के देखें, ये गिफ्ट नंबर 20। अभी को ना अपने मतलब की चीजें देख रही है, सारी चॉकलेट है। टी शर्ट साथ में, टी शर्ट। अरे ये चलो कोई नहीं, ये महंगी वाली है, 2 लाख की है ये एक। मतलब 200 की है। आईफोन जो लाया था वो का रह गया मेरा आईफोन। गाइस ये वाली लिपस्टिक थी 7C's। यस 7C's बढ़िया है, मांग रहा है ये। खोल दे खोल दे। अभी के लिए यहाँ सब कुछ माफ है, 2 लोवर 2 टी शर्ट 2 लोवर। चलो भाई करने हो गया। लड़कियों की इसमें भी पूर्ति नहीं होती, काम तो फिर भी नहीं होगा। नहीं, इनको एक बार दोबारा रिपीट नहीं करेंगी ये। यार देखना कोई सी मैचिंग, चलो ये तो। अरे कोई नहीं, डेली यूज के लिए है ये, घर में पहनने के लिए है ये। ये तो पूरा यूज हो जाएगा शायद। कैसे लगे? बढ़िया, अभी तो और रह गए। ठीक है, अपनी सारी खुशी बाद में बताऊंगी, पहले सारे गिफ्ट ओपन करती हूँ। अनबॉक्सिंग हो जाए। हाँ बिंदी का लेकर आया था मैं कुछ, क्योंकि मेरी
डायरी लाती हूँ। मिन्नी में अंकल की शॉप से लेकर आया था क्योंकि मैं हर बार डायरी लाती हूँ। सब लोगों को ना चॉकलेट का इंतजार है, जल्दी से पहले अनबॉक्सिंग हो। 22 है ठीक है। अच्छा सॉरी 24 फ्रूट एंड नट। यस ये तो आनी गिफ्ट नंबर 25 मेरे पति ने दिया है, सब अच्छा है, चुप जाओ तुम। ये है लास्ट गिफ्ट आज के दिन का बिंगो। ये बिंगो मैड एंगल गिफ्ट मिलने वाले हैं। नहीं नहीं भैया बस अब बहुत हुआ। छब्बीस के 26 गिफ्ट कंप्लीट हो गए हैं। वो कर दो पहले। कैसा लगा? नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। ₹50 काट लो। गाइस मेरे पति देव ने ना मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे ना गिफ्ट की अनबॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद है और इतने सारे गिफ्ट देखो यार देखो। और अर्शी ने भी 26 मतलब मैं 26 साल की हुई, उन्होंने का दिमाग देखो कितना चला कि 26 गिफ्ट इन्होंने 26 गिफ्ट इन्होंने ये मेरा है। और हाँ मेरा गिफ्ट कैसा लगा ये भी बता दो। हाँ तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है देखो, मैंने वेयर भी कर लिया मतलब पहन ली, मैंने अंगूठी पहन ली देखो। और दो चार चीजें उसमें से तो गाय सफल हो गई, भैया की भी और मेरी भी पसंद आ गई। देखो आपने कहा था ना मुझे रिंग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए रिंग लाई। मुझे दो देखा सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज मिलता है ना सच में इतनी खुशी मिलती है ना। और इस तरीके का सरप्राइज कि 26 साल के होने पे 26 गिफ्ट कुछ करना है। थैंक यू पैसे दे दो। लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, वेलकम, वेलकम। अभी तो पार्टी बाकी है, अभी तो दावत चाहिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हमारा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट नहीं कह रहे, रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। चलो रिटर्न गिफ्ट कल मिलेगा ठीक है। तो गाइस सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू, जितना थैंक यू बोला उतना कम है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये कुछ नया था वैसे मेरे लिए, मतलब 26 साल लिए भी, तो हर साल नया नहीं था, सुनो, लिए भी बहुत सुनो नया था। हर साल ना ऐसे करा करो, मैं जितने साल की होकर ना उतने उतने गिफ्ट दिया करो अपने पति को। अगले साल 27 पति भी अपनी बीवी है जब 26 साल की होगी तो हमें 26 ज्यादा पार्टी चाहिए। सो गाइस हमारा जो भी ये ब्लॉग देख रहा है और जो भी मैरिड कपल है जिसकी गर्लफ्रेंड है, जितने भी साल की उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड होती है तो उनको उतने गिफ्ट दो, नहीं बहुत मजा आ जाएगा गर्लफ्रेंडों को भी और वाइफों को भी। सूट देख के देना, मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि पता है ये वाला सूट मैंने ट्राई करके भी देखा था। हम लोग पैंटालून गए थे, उसमें ड्रेस लेने गए थे, मुझे भी काफी अच्छा लगा था लेकिन हमने लिया नहीं था ये उस टाइम पर, क्योंकि इन्होंने बोला कि मतलब एक ही चीज ले लो, अभी सूट वूट रहे तो तुम्हें एक ही चीज वेयर करनी है तो वो ले लो। पहनने के लिए मैंने ड्रेस ली थी, वो ड्रेस मैं आगे फिर आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी पहने हुए, बट मैं यही वेयर करूँ। ये मुझे भी काफी अच्छा लगा था लेकिन मैंने फिर माइंड में अपना मतलब सोचा था कि यार ये मैं बाद में गिफ्ट के तौर पे दूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं सच में बहुत अच्छा है। और स्लीपर्स का साइज चेक करना पड़ेगा लेकिन मुझे अभी, हाँ स्लीपर पहन के देख लेना, मैं कुछ भी इसमें से मतलब वापस नहीं करना चाह रही, जो जो आया है रह गया, ये रह गया गिफ्ट, लो ये क्या है देखो, कुछ खाने की लग रही है मुझे पता है बस नहीं है, एक गिफ्ट रह गया था। जब तक नहीं खत्म होता जब तक खुल नहीं जाती चीज। चलो उन्होंने बता दिया था तो आपने ब्लॉग शूट किया उसका? नहीं क्या बड़ा क्या शूट करता, सब चीजें बनना भी पता चल जाती ना क्या क्या लिया है। Yes, मेरा फेवरेट ब्रिटानिया केक। चलो तो गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि इससे पहले अभी मेरे सारे गिफ्ट के हंसते ऐसी मार देना, उससे पहले मैं गिफ्ट समेट के रख देती हूँ। देखो ये क्या कर रही है, खा लो। और ये सब बैठे पता है किस वेट में, जो मुझे सारे गिफ्ट मिले हैं ना उनमें से आधे बंटवारा करने के लिए सारे बैठे हुए हैं। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में। कल अभी पार्टी शुरू हुई है, कहते हैं ना वो कहां जाते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसमें वो पता चलेगा, इसमें आपको अनबॉक्सिंग का वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, कल का मुझे सब कुछ पता है, आज का नहीं पता था बट कल का मुझे सब कुछ पता है कि क्या डिब्बा सुबह से मांग रही थी ना मैं, हाँ ये सुबह से डिब्बा मांग रही थी।
अंशी मुझसे बोली अच्छा ये कोलैबोरेशन वाला डिब्बा है। अच्छा अंशी मुझसे सुबह बोली कि भाभी वो डिब्बा दे देना, मैं उसमें ना अपना सामान रख लूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को दोबारा बोली कि डिब्बा दे दो। और मैं पता है मैं यही तो सोच रहा कि मतलब इतना बड़ा वाला डिब्बा कहाँ से आया है, ये कोलैबोरेशन वाला। कल का मुझे सब कुछ पता है, मैं आपको मॉर्निंग बताऊंगी क्या होने वाला है, कैसे पार्टी है, कितनी ग्रैंड पार्टी है, क्या है। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी हमारे चैनल पे नया आया प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो। थैंक यू। और बाय बाय। हाँ चलो फिर से करते हैं बाय।